बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, साथियों, इमरान खान के चाहने वालों, आज पूरा एक साल मुकम्मल होने को है कि हमारा लीडर उम्मते मुस्लिमा का सबसे कदावर शख्सियत, पाकिस्तान का सबसे मकबूल रहनुमा पाबंदे सलासल है। हमारा लीडर इमरान खान, जिसने झुकना पसंद नहीं किया, जिसने डील कर बाहर जाना पसंद नहीं किया, जिसने हुक्मरानों के आगे सर झुकाना पसंद नहीं किया, और आज वो आपके और मेरे बच्चों की जंग लड़ रहा है पाबंदे सलासलों के। आज मैं बताना चाहता हूं ताकत के इकतदार में बैठे लोगों को कि ये आवाम भेड़ बकरियां नहीं है। तुम समझते थे कि इस आवाम का मैंडेट चोरी कर लोगे, इस आवाम की मईशत को तबाह कर दोगे, इसके इंसानी हकूक पर जर्ब पहुंचा दोगे और ये कौम खामोशी से बैठी रहेगी। ये कौम जिंदा कौम है, जिंदा कौम है आप। मेरे दोस्तों, साथियों, आज हमारी मईशत का ये हाल है कि इमरान खान 6% पे छोड़ के जो मईशत गया, आज वो मनफी तरक्की कर रही है। हमारी ज़रात तबाह, हमारी सनत तबाह, हमारी एक्सपोर्ट तबाह, महंगाई 3 गुना बढ़ा दी इन डम्मी कठपुतली हुक्मरानों ने, इन नमूनों ने जिनको मुसल्लत किया गया है, जो अपने अपने हलकों में तीसरे चौथे नंबर पर इलेक्शन हारे बैठे हैं। मैं यहां पर सबसे पहले पंजाब से आए काफले, हर जिले से, हर हलके से, और पंजाब की सारी तंजीम, तमाम अहदेदारान, तमाम विंग्स, मैं सबको खराज तहसीन पेश करता हूं। आज आपने जिस तरीके से शिरकत की, मैं यहां पे सबसे पहले नाम भी लेना चाहता हूं पंजाब के उन रहनुमाओं का, जो इमरान खान के साथ वफादारी के जुर्म में बेगुनाह पाबंदे सलासल हैं। सबसे पहले मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब, जिन्होंने झुकना पसंद नहीं किया, जिन्होंने डरना पसंद नहीं किया, और उन्होंने साबित किया कि उनके खून में मखदूमियत भी है और वो शाह की औलाद भी है। उसके बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद, जिन्होंने नवाज शरीफ को उसके इलेक्शन हराया। हां जी, ये नवाज शरीफ साहब जो आज बैठे हैं, इनकी सीट भी जाली है, इनकी बेटी की सीट भी जाली है, जिसने पंजाब में मार्शल लगाया हुआ है। मैं इसके साथ मियां महमूद रशीद साहब का जिक्र करना चाहता हूं। मियां साहब की साहबजादी मरियम कलसूम ने अभी मेरे से पहले तकरीर भी की थी, उनके शौहर भी गिरफ्तार हैं। मैं यहां पर इजाज चौधरी साहब का जिक्र करना चाहता हूं। मैं यहां पर जिक्र करना चाहता हूं उमर सरफराज चीमा साहब का, और मेरी बहन आलिया हमजा का। मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं चौधरी परवेज लाही साहब को, हमारी पार्टी के सदर को, जिन्होंने इस उम्र में 1 साल से ज्यादा बेगुनाह कैद काटी है। मैं बुशरा बीबी को, जिनके किरदार पर घटिया लोगों ने वार किया, लेकिन अल्लाह ने उनको सुरखरू किया। मेरे दोस्तों, साथियों, आज इस मजमे में पंजाब के बहुत बड़ी आवाम आई हुई है। पंजाब के जनूब से लेके शुमाल तक आज हजारों की तादाद में इमरान खान के चाहने वाले सवाबी में मौजूद हैं। मैं खैबर पख्तूनख्वा के गयूर आवाम को सलाम पेश करता हूं, और पंजाब वालों, अब मैं आपसे मुखातिब होना चाहता हूं, आप पंजाब में एहतजाज के लिए तैयार हो
तो मैं तीन ऐलान करने जा रहा हूं, मेरी बात गौर से सुने, ये तीन ऐलान है और खामोशी से सुने। सबसे पहला ऐलान, आज से मेरे ऊपर पिछले एक साल से 53 FIR हैं। एक साल से अपने घर वालों से नहीं मिला मैं, 53 FIR। आज से मैं ऐलान करता हूं मंजरे आम पर आने का, और पंजाब का बाकायदा एहतजाज, पुरमन एहतजाज शुरू हो रहा है, जिसकी बराह रास्त क्यादत मैं करूंगा। दूसरा ऐलान, अगर मैं गिरफ्तार हो जाता हूं, अगर मुझे मिसिंग पर्सन बना दिया जाता है, अगर मुझ पर तशद्दुद किया जाता है, इंशाल्लाह ताला मैं ये तशद्दुद बर्दाश्त जितना कर सकता हूं करूंगा, नहीं झुकूंगा। ये वो कीमत है जो मैं इंशाल्लाह ताला अदा करूंगा अपने अल्लाह की जमीन पर इंसाफ कायम करने के लिए, अपने लीडर इमरान खान के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए जो इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी है। लेकिन अगर इंशाल्लाह ऐसा होगा नहीं, अगर मुझे इन्होंने तशद्दुद करके कोई बयान दिलवाया तो आपने उस पर यकीन नहीं करना। मैं हल्फन कहता हूं कि कल भी मेरा लीडर इमरान खान था, आज भी मेरा लीडर इमरान खान है, और इंशाल्लाह आने वाले कल में भी मेरा लीडर इमरान खान होगा। और आखिरी ऐलान, मैं मंजरे आम पर मौजूद हूंगा, और सितंबर का महीना, अगर बेगुनाह इमरान खान को ना छोड़ा गया तो पंजाब वालों अडियाला लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हो, तैयार हो, तो फिर तैयारी पकड़े। तारीख गवाह है कि हमने कानून और आईन का दामन नहीं छोड़ा। बांग्लादेश वाली बात आ गई है, हमने कानून और आईन का दामन नहीं छोड़ा, हालांकि कानून आईन और जमहूरी रवायात को रोंदा गया हमें दबाने के लिए, पाकिस्तानी कौम को दबाने के लिए, लेकिन हमने कानून और आईन का दामन नहीं छोड़ा। हम इंशाल्लाह ताला पुरअमन एहतजाज करेंगे, पूरे पंजाब में करेंगे, मैं सरबराही करूंगा, गिरफ्तारी देनी पड़ी तो गिरफ्तारी दूंगा, और इंशाल्लाह सितंबर में लॉन्ग मार्च करेंगे। मेरे दोस्तों साथियों, आप सबका बहुत शुक्रिया, और सबसे आखिर में मैं खसूसी खराज तहसीन असद कैसर साहब आपको, और सवाबी वाले आपको, शहराम तारकई साहब आपको, आप सबको पेश करता हूं। आज इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में आपने एक तारीखी जलसा किया, मेरे साथ नारा लगाएं, और नारा पीछे तक आना चाहिए, उस पहाड़ी पे जो लोग बैठे हैं वो भी नारा के साथ जवाब दें, आई आई, ये पीछे से जरा ज्यादा आवाज, और इस पहाड़ से ज्यादा आवाज आनी चाहिए, आई 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 आई, तेरी शान मेरी आन, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।